ओम शांति 20/7/2023 की साकार मुरली। मीठे बच्चे शिव बाबा का चित्र एक कोठरी में रख दो, घड़ी घड़ी जाकर उसके सामने बैठ बातें करो तो सारा दिन याद बनी रहेगी। प्रश्न, नया और अनोखा प्यार कौन सा है जिसकी अनुभूति केवल संगम पर ही होती है? उत्तर, विचित्र बाप के साथ प्यार करना, यह है एक नया प्यार। तुम जानते हो निराकार विचित्र बाबा इस साकार में आया हुआ है, हम उनके सामने बैठे हैं, हमें संगम पर डायरेक्ट ईश्वर का प्यार मिलता है, यह है नया और अनोखा प्यार। सारा कल्प देहधारियों से प्यार किया, अब विदेही बाप से प्यार करना है, ऐसा प्यार संगम पर ही होता है। गीत कौन आया मेरे मन के द्वारे, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, सभी की याद को समेट, बुद्धि योग सभी से तोड़, एक बाप की याद में रहना है। शिव बाबा की कोठी बनाए, उनकी अव्यभिचारी याद में बैठना है। दूसरा, अपने आप से मीठी मीठी बातें करनी है। हम पहले कितने सुंदर गोरे थे, फिर 84 जन्म लिए, अब खुशी से वापस जाते हैं, ऐसे अपने साथ बातें कर स्वदर्शन चक्र फिराना है। वरदान, स्वचिंतन और स्वदर्शन द्वारा हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने वाले बेदाग भव। स्वचिंतन और स्वदर्शन द्वारा हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने वाले बेदाग भव। हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने के लिए सदा स्वचिंतन करो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो, क्योंकि हीरे को दागी बनाने वाली केवल दो बातें हैं, एक परदर्शन, दूसरा परचिंतन। यही दो बातें संग के रंग में स्वच्छ हीरे को दागी बना देती हैं। इसलिए इस मूल बीज को समाप्त कर स्वचिंतन करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ तो धूल और दाग लग नहीं सकता, सदा बेदाग सच्चा हीरा, चमकता हुआ अमूल्य हीरा बन जाएंगे। स्लोगन, विचित्र बाप के चित्र और चरित्र को याद करने वाले ही चरित्रवान हैं। विचित्र बाप के चित्र और चरित्र को याद करने वाले ही चरित्रवान हैं। अच्छा, ओम शांति। आप दृष्टि उतर जाऊं, पल के ना पल भर बंद मेरी, हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी, इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। आप दृष्टि अब टेलीग्राम चैनल पर ब्रह्मा कुमारीज टीवी, इसमें आप मुरली को पढ़ भी सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं संपूर्ण मुरली की, और साथ साथ ऑडियो MP3 भी डाउनलोड कर सुन भी सकते हैं। ओम शांति।